भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया ज्ञापन। सीवर पंपिंग स्टेशन 62 के निर्माण में श्रीमती कुसुमा देवी जाटव की भूमि जबरिया कब्जा करने की कही बात। जमीन अवमुक्त कराने के साथ दोषियों को जेल भेजने की मांग। फिरोजाबाद भीम आर्मी भारत एकता मिशन सामाजिक संगठन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें सीवर पंपिंग स्टेशन 62 के निर्माण में श्रीमती कुसुमा देवी जाटव की भूमि को प्रशासन द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भूमाफियाओं की भांति जबरिया कब्जा किए जाने के विरोध में आंदोलन की चेतावनी एवं भूमि को अवमुक्त कराए जाने की बात कही गई। बताया गया जिसकी सभी प्रकार की जिम्मेदारी जिलाधिकारी फिरोजाबाद की होगी, साथ ही दोषी भूमाफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की गई। ज्ञापन देने के दौरान संगठन के प्रमुख मंडल उपाध्यक्ष गुलाब सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष मोनू, जीतू जाटव, नरेश आनंद, योगेश गौतम, देवेंद्र जाटव, वीके सुमन, सुनील कुमार, सनी सिंह, अभिषेक कुमार आदि मौजूद रहे। भारत एकता मिशन के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, जो कि नमामि गंगे परियोजना के तहत ये भूमि जो ये हमारे साथ पीड़ित महिला हैं, इनकी जमीन को सफ़ेद पोषण नेताओं द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया और उसके बाद में 420 करके, और जबकि इनके हिस्से की जमीन ना तो कहीं पे बेची गई और ना कहीं पे किसी के साइन किए गए, ना कहीं पे नाम की गई, और उस जमीन को सरकार को दे दिया गया। तो डीएम महोदय को आज ज्ञापन सौंपा गया है कि भीम आर्मी ये मांग करती है कि जमीन। जो एससी की जमीन है, जो कि यह नियम है कि एससी की जो जमीन है वो है किसी भी उच्च जाति या ओबीसी या जनरल के लोगों के नाम में नहीं जाती, लेकिन इसमें ये सारे नियम का उल्लंघन करके भी तहसीलदार हैं उन्होंने ऐसा किया है इस मामले में। तो भीम आर्मी की मांग है, जब तक इनको जमीन वापस नहीं कराई जाती तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बिना डीएम की स्वीकृति कैसे? और बगैर डीएम के स्वीकृति को इस योजना में 2.7 करोड़ रुपए करीब का सरकार का घोटाला किया जा रहा है, गबन किया जा रहा है, और इस घोटाले को देखते हुए भीम आर्मी आज जिला कलेक्ट्रेट फिरोजाबाद पे ज्ञापन दिया गया है, और इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा रही है कि इनको जो भी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी वापस कराई जाए और न्याय दिया जाए महिलाओं को।